हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेट फंक्शंस। काफी अच्छे फंक्शंस होते हैं गाइस डेट फंक्शंस, जिसकी हमें काफी जरूरत होती है आगे, कि हमें बार बार टास्क बार से डेट देखनी होती है या फिर हमें अपने फंक्शंस में कुछ डेट कैलकुलेट करानी है, तो हम गाइस ये डेट फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, देखिए गाइस, यहाँ पे जैसे कि अगर मुझे आज की डेट निकालनी है या आज की टाइम निकालना है या करंट डेट निकालनी है, तो हम ये फंक्शंस यूज करते हैं गाइस, नाउ और टुडे। ओके गाइस, देखिए गाइस यहाँ पर है जैसे कि नाउ टुडे है, ये नाउ फंक्शन होता है गाइस करंट डेट और टाइम दोनों के लिए, और ये वाला जो फंक्शन होता है गाइस टुडे, ये होता है करंट डेट के लिए। अगर गाइस आप यहाँ पे जस्ट इसका फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वल और नाउ लिखना है। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, शो हो गया गाइस करंट डेट और टाइम, जो भी आपके टास्क बार पर इधर शो हो रहा है डेट एंड टाइम, ये उसी को यूज करता है गाइस, और सेम वही फॉर्मेट यूज करेगा जो आपके टास्क बार पर आ रहा है। ओके, अगर गाइस आपको ये तो पूरा डेट और टाइम दोनों दिखा दिया, और अगर आप यहाँ पे लगाते हैं टुडे, ओके गाइस, और इसमें ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करना है, बस ये टुडे भी निकाल दिया इसने। ओके, इसमें सिर्फ डेट आएगी, उसमें डेट और टाइम दोनों दिखाएगा और इसमें सिर्फ डेट दिखाएगा गाइस। ओके, इसका गाइस एक शॉर्टकट भी है, आप शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो। अगर मैं कंट्रोल सेमी कॉलन करती हूँ गाइस, तो करंट डेट आएगी। ओके, अगर मैं चाहती हूँ टाइम आए, तो गाइस आप कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन कर दीजिए, तो आपका टाइम आ जाएगा। अब गाइस में जैसे कि यहाँ पर टाइम आ रहा है, डेट और टाइम दोनों कंबाइन आ रहे हैं, वही डेट और टाइम गाइस में यहाँ पर थोड़ी शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, शॉर्टकट के थ्रू करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे गाइस, कंट्रोल सेमी कॉलन कर देंगे, फिर स्पेस करेंगे, फिर शिफ्ट कंट्रोल सेमी कॉलन कर देंगे, तो ये शो हो जाएगा। ओके गाइस, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। डेटा ज्यादा होता है गाइस अगर सेल विड्थ से, तो ये ऐसे साइन बनकर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उसका थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दीजिए, तो शो हो जाएगा। यहाँ पे दो जगह आ रहा है, एक तो ये डेट आ रही है टाइम, और एक ये डेट और टाइम आ रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलर है एकदम, सेम आ रहे गाइस, ठीक है, बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गाइस। ये जो हमने निकाली है ना डेट, ये फिक्स्ड है, नो चेंज, ये फिक्स्ड है। जो अभी की डेट और टाइम हो रहा है, अभी का तो आ गया इसने, लेकिन ये फिक्स कर दिया है, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसा टाइप है वैसे ही रहेगी। ओके, लेकिन ये जो हमने फॉर्मूले के थ्रू निकाली है गाइस, ये चेंजेबल है। अब जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करके बंद करूंगी, किसी और दिन खोलूंगी या अभी कुछ टाइम के बाद खोलूंगी, तो गाइस यहाँ पे डेट और टाइम दोनों चेंज हो जाएगा। अगर आज ही खोलूंगी तो डेट सेम रहेगी, टाइम चेंज हो जाएगा। अगर मैं कल खोलूंगी तो कल का गाइस इसमें कल की डेट आ जाएगी, और वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम मैं खोलूंगी। दैट मीन्स जैसे ही आपके टास्क बार पर टाइम और डेट चेंज होंगे, तो गाइस ये फॉर्मूला भी अपना चेंज कर देगा दोनों, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज चेंज कर देंगे, लेकिन जो हमने ये शॉर्टकट के थ्रू निकाले हैं गाइस, ये फिक्स रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ये डायरेक्ट है, ये फिक्स के लिए है, और ये भी गाइस फिक्स है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, अगर आप शॉर्टकट के थ्रू निकालते हैं ऐसे, तो गाइस ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर गाइस आप फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, तो गाइस ये चेंजेबल है, ये टास्क बार के ही फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है गाइस, जो भी आपके टास्क बार पर हो रहा है, ये उसी को एक्सेप्ट करेगा, जैसा फॉर्मेट आपने अपने टास्क बार पर दिया हुआ है, सेम वैसे ही फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेगा। ओके गाइस, गाइस यहाँ पे हमने कुछ डेट डाली हुई है, ठीक है, पूरे फॉर्मेट के साथ है गाइस पूरी, और यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस लिखे हुए गाइस, ये फंक्शंस हम सॉल्व करेंगे आज। इसका मीन्स है गाइस वीक का मीन्स है गाइस ये डेट है मेरी। ओके, अब इस डेट में कौन सा वीक है, वीक का जो डे है वो कौन सा है। अभी जो हमारा फॉर्मेट चल रहा है गाइस, वो फॉर्मेट क्या चल रहा है, डेट मंथ और ईयर चल रहा है। आप अपने टास्क बार पर देखिए, किसी के टास्क बार पर गाइस मंथ डेट और ईयर आ रहा होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मेट सेटिंग के अंदर होता है, आप जैसे फॉर्मेट सेट कर लेंगे वैसे ही आएगा। मेरे फॉर्मेट में पहले डेट है, फिर टाइम, पहले डेट है फिर मंथ है, फिर ईयर है। ओके, तो यहाँ पर भी वही है गाइस, ये सबसे पहले क्या है, डेट है 7, और फिर 4 क्या है, अप्रैल, और ये 2020। ओके, तो ये आ गया। अब मैं चाहती हूँ मुझे इसकी डेट लेनी है गाइस, अगर मैं यहाँ पे वीक डे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे से क्लिक किया कि मुझे दिन बताओ, इसमें से दिन कौन सा है, जैसे आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ना, ऐसे
अगर मैं इसको ऐसे ही यूज कर देती तो गाइस पूरी डेट आ जाती है। अब मुझे डेट नहीं यूज करनी, मुझे वो डे निकालना है जो निकला हुआ है, ट्यूजडे निकला है ना। तो इसे गाइस कंट्रोल F1 करते हैं, ये फॉर्मेट शो करने के लिए होता है गाइस, कि आप अपना फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट है कंट्रोल वन, तो फॉर्मेट सेल ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे गाइस सारी चीजों के फॉर्मेट है, मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी बताए थे कि आप यहाँ से सारे फॉर्मेट ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे कस्टम में जाना है, कस्टम में जाकर अब आप यहाँ पे गाइस इसको हटाइए, ये जो फॉर्मेट आ रहा है डेट मंथ ईयर का, ओके यही है मेरा फॉर्मेट भी, सेम यही चल रहा है। तो हम यहाँ पे गाइस टाइप कर देते हैं 4 times D, डी मीन्स डे। देखिए गाइस ऊपर सैंपल में डेट आ गई, डे आ गया, क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया ना, तो ये ट्यूसडे हो गया और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो गाइस ट्यूसडे आ गया, ओके, या कोई भी डेट चूज कर लेंगे, मैंने ये वाली चूज कर ली, आप ये वाली चूज कर सकते हैं, ये वाली भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 9 कर दिया इधर, तो देखिए गाइस ये सैटरडे आ गया, ओके, यानी कि 23 फरवरी में 2019 में क्या था, सैटरडे था, ओके। करंट की डेट मैंने इसलिए लिए गाइस अभी की, ताकि वो अभी से पता चल जाए हाँ ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा, गाइस हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस ये तो हो गया, ओके। अगर मैं इसी डेट से डायरेक्ट फॉर्मेट के थ्रू, जैसे ये तो मैंने चेंज किया है फॉर्मेट, अगर मैं वीक डे लगा रही हूँ तो वीक डे से क्या आ रहा है, डायरेक्ट वो वैल्यू आ रही है उठ के। मैं चाहती हूँ मैं फॉर्मूले के थ्रू चेंज करूँ इसे, देखिए गाइस टेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, मैं चाहती हूँ टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू इसे चेंज किया जाए, ओके। तो टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं गाइस, टेक्स्ट लिखते हैं, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट और ये चूज कर लेंगे गाइस कॉमा। अब गाइस इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए, ओके। अगर मैं यहाँ पे गाइस 2 times D टाइप करती हूँ, कर करके देख लेते गाइस, ओके। तो देखो गाइस डेट आ गई उसकी, 23 है ना डेट, डेट आ गई, बट मुझे डेट नहीं लेनी, मुझे चाहिए उधर का डे का नाम, मंडे ट्यूजडे ना, तो मैंने 3 times डी लिख दिया गाइस, तो ये क्या आ गया, सैटरडे आ गया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आ गया। बट अगर मैं 4 times लिख देती हूँ गाइस तो ये पूरा आ जाएगा, देखिए गाइस शो हो गया सैटरडे फुल, ओके गाइस। तो इस टाइप से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट को हम गाइस यहाँ पर यूज करते हैं, कि मैंने क्या, अब ये जो यहाँ से तो आ गया इसमें, ठीक है ना, वीक डे के हिसाब से, ये गाइस कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए जस्ट चेंज किया है मैंने फॉर्मेट बस, और ये फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट के थ्रू आया है, और ये गाइस फॉर्मूला है पूरा। अगर मैं चाहती हूँ मैं वीक डे का फंक्शन लगा दूँ, फॉर्मूला लगा दूँ डे DAY, और इधर ब्रैकेट स्टार्ट कर दूँ और इधर से चूज कर लूँ, ओके, तो गाइस यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला अपने आप दिखा देगा, ठीक है ना, 23 डेट है तो 23 दिखा दी इसने। अब गाइस एक, ओके, अब गाइस यहाँ पर नेक्स्ट डे इसमें मंथ, ओके, सेम टाइप का मंथ भी ले सकते हैं गाइस, अगर डायरेक्ट उधर से मंथ को अगर आप कोई डेट चूज करते हैं और उसमें अपना फॉर्मेट चेंज करते हैं गाइस, तो सेम एज है, जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया ये, ओके गाइस, तो ये डायरेक्ट तो डेट आ गई पूरी, ठीक है ना। अब इधर कंट्रोल F1 कर दीजिए और कंट्रोल F1 करके कस्टम में जाइए और यहाँ पे सेम अपने फॉर्मेट में, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले हमने क्या निकाला था, डेट निकाली थी गाइस, अब हम क्या निकाल रहे हैं, मंथ। तो 4 times M टाइप कर दीजिए गाइस, मंथ आ गया, देखिए फरवरी आ गया, तो ये फरवरी आ गया। और अगर इसी डेट को हम यूज करते हैं, सेम टाइप बता रही हूँ गाइस, जैसे हमने डेट डे निकाला है वैसे हम मंथ निकाल रहे हैं, अगर हम इसी फॉर्मेट इसी डेटा को यूज करते हैं और चाहते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेट के थ्रू निकालें, टेक्स्ट के थ्रू, ओके, तो हम इधर टेक्स्ट लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट सेम वे है गाइस जो हमने उधर किया था, सेम एज यहाँ पर भी करना है, ओके गाइस, और ये वैल्यू ले लीजिए गाइस, ओके, देन अब फॉर्मेट डाल दीजिए आप सेम, अगर 2 times डालेंगे तो क्या आएगा, फैब आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ क्योंकि फैब्री है। अगर मैं 3 times डालूंगी तो गाइस क्या होगा, शॉर्ट में आ जाएगा FEB, और मैं 4 times डालूंगी तो गाइस पूरा आ जाएगा, ओके, ये रहा। तो इस तरीके से ये शो हो जाता है, ऐसे ही गाइस यहाँ पर है ये। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो मंथ लिख दीजिए गाइस, ओके, और यहाँ पे बस ये डेट चूज कर लीजिए, इसमें से आपको डायरेक्ट ही मंथ शो करके दिखा देगा कौन सा मंथ है, ओके गाइस, ये इस टाइप से निकल जाएगा। ऐसे ही गाइस यहाँ पे आपका ईयर है, आप ईयर निकालना चाहते हैं तो गाइस इधर ईयर भी निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ईयर निकालने के लिए क्या गाइस, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और ईयर लिखेंगे,
ईयर में गाइस टैक्स फॉर्मेट नहीं लगता है, ठीक है ना, आप इधर निकाल लीजिए। अब हमने इधर क्या किया, यहाँ से चूज कर ली ये वाला कि इसमें बताइए भाई ईयर कौन सा है, तो हमने डाल दिया। देखिए गाइस ईयर आ गया, ओके। तो इधर से इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं इसे ईयर। अब गाइस ये जैसे कि डेट, हमने पूरा एक डेट थी, इस पूरी डेट को हमने स्प्लिट कर दिया, डे अलग निकाल दिया, मंथ अलग निकाल दिया, ईयर अलग निकाल दिया। अगर गाइस यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट सेल के लिए होता है, इंसर्ट के लिए आप कॉलम को चूज करें या रो को चूज करें या सेल को चूज करें, कंट्रोल प्लस करके ही एक सेल रो कॉलम इंसर्ट हो जाता है, ओके गाइस। अब गाइस यहाँ पे जो हम है डेट फंक्शन लगा रहे हैं गाइस, डेट। अब मेरे पास ये जो डेट है गाइस ये स्प्लिटेड है, जैसे ही कहीं पे मंथ निकला हुआ है, कहीं पे ईयर निकला हुआ है, कहीं पे डेट निकली हुई है। अब मैं चाहती हूँ पूरी डेट एक साथ कंबाइन करनी है, ओके। तो हम इक्वल लगाएंगे गाइस और डेट लिखेंगे, ओके, और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। देखिए गाइस नीचे फॉर्मेट बता रहा है, ये ईयर दीजिए, मैंने ये वाला ईयर दे दिया, ऊपर दे देते हैं वाला, ये वाला ईयर दे दिया, फिर बोल रहे हैं मंथ दीजिए, ठीक है ना, मंथ क्या है 4 है, फिर ये बोल रहा है डे दे दो, तो हमने इसको डे दे दिया, ओके गाइस। तो इसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए गाइस यहाँ पे कंबाइन हो जाता है ये, इसने कुछ अभी देखते हैं गाइस, तो सही ले रहा है ये, अच्छा ओके गाइस, इधर हम दोबारा निकाल रहे गाइस, इक्वल डेट ब्रैकेट स्टार्ट, गाइस यहाँ पे ये कुछ इसका फॉर्मेट का इशू आ रहा है, क्योंकि हमने इसे फॉर्मेट के थ्रू निकाला हुआ है, इसलिए। चलिए गाइस नेक्स्ट में भी देख लेती हूँ फॉर्मूला, फिर मैं अभी चेक करके लास्ट टाइम में बता दूंगी, ओके गाइस। देखिए गाइस यहाँ पर है, यहाँ पर गाइस लास्ट डेट ऑफ मंथ, अगर आपको किसी भी मंथ की लास्ट डेट निकालनी है, जैसे मेरी ये मंथ है, मैं चाहती हूँ इसकी लास्ट डेट निकालना है, तो गाइस इधर एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला होता है ई ओ मंथ, ओके गाइस ईओ मंथ। अब इसी में बोल रहा है स्टार्टिंग डेट दीजिए, मैंने ये वाली डेट दे दी गाइस स्टार्टिंग डेट, ओके। अब लास्ट डेट के लिए मंथ के लिए इसे 0 डाल दीजिए गाइस, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा उसकी लास्ट डेट दिखा देगा गाइस। ये वैल्यू होती है नंबर की, वैल्यू होती है गाइस, जो भी आपकी डेट आ रही है इसकी वैल्यू दिखा रहे हैं। इस वैल्यू को मैं गाइस आगे डिस्क्राइब कर दूंगी, तो हमें यहाँ पे गाइस यहाँ जाकर फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे इसका डेट फॉर्मेट लेना है, ओके गाइस, क्योंकि हमने डेट निकाल लिया। आप लॉन्ग फॉर्मेट या शॉर्ट ले लीजिए, मैंने शॉर्ट ले लिया, तो देखिए गाइस फैब्रिक की लास्ट डेट दिखा रहा है 28 फेब, ये लास्ट डेट आ गई, ओके गाइस। तो ये लास्ट वाली डेट भी दिखा देता है कि कैसे कौन सी लास्ट डेट है। अब ऐसे ही गाइस आप देख रहे हैं हम फर्स्ट डेट ऑफ अ मंथ, मंथ की फर्स्ट डेट गाइस। ये कोई फॉर्मूला ऐसे कंपल्सरी नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, इसको बस कस्टमाइज करके बनाया गया है फॉर्मूला, कि अगर आप किसी भी महीने की लास्ट डेट, पहले कोई भी मंथ आप चूज करते हैं, उस मंथ के नेक्स्ट मंथ की जो है लिखा ना, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो भी मंथ आप चूज करेंगे उसका फर्स्ट, उसके नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट चाहिए, तो हम गाइस यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, सेम ईओ मंथ लगाते हैं, ईओ मंथ, ओके। और फिर इसमें से सेम टाइप से आप इधर करिएगा, इस पहले तो स्टार्टिंग डेट ले लीजिए ईयरली, अभी इसका नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा गाइस, 0 लगा दिया, लास्ट इसका गाइस 28 फरवरी है, चलिए यहाँ से तो 28 फरवरी आ जाएगा, इसमें प्लस 1 कर दीजिए गाइस, प्लस 1, तो देखो गाइस ये फर्स्ट मार्च आ गया, ओके। तो ये गाइस डेट क्या आ गई, फर्स्ट मार्च, तो इस टाइप से क्या करेगा ये फर्स्ट मार्च शो कर देगा, ओके गाइस। तो इस टाइप से हम इसे यूज कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है गाइस इसमें मिनट्स, ओके। अगर आप इधर मिनट्स निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो गाइस मिनट्स भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कोई भी डेट चूज कर ले या टाइम चूज कर ले, उस टाइम में से आपको मिनट्स निकालने के कितने मिनट्स हो रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे मिनट्स भी निकाल सकते हैं, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे मिनट का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए गाइस मिनट्स लिख दिया हमने, ओके।
अब मैं चाहती हूँ जो मैं टाइम सीरीज आ रही है मेरी, मैंने यहाँ पे लिखा निकाला था गाइस करंट डेट और टाइम अभी का है, तो इसे मैंने चूज कर लिया। अब मैं चाहती हूँ इसमें से गाइस मिनट्स निकाल के दिखाए कितने मिनट्स है, तो देखो गाइस इसने मिनट्स दिखा दिए, कितने मिनट्स आ रहे हैं गाइस इसमें 28 मिनट्स। देखो गाइस यहाँ पर भी 28 है, जब मैंने फॉर्मूला लगाया था गाइस यहाँ पर 28 मिनट्स नहीं थे, कुछ और टाइम था। और आप देखो गाइस जो आपके टास्क बार का टाइम हो रहा है सेम वही टाइम इसने यहाँ पे शो कर दिया। ओके तो यह है, इसने मिनट्स दिखा दिया। अब ऐसे ही गाइस यहाँ पे ये दिखा रहा है सेकंड के लिए, आपको सेकंड निकालना है तो गाइस सेकंड लिख दीजिए, देख लीजिए गाइस इसने सेकंड लिख दिया। अब मैंने इसे चूज कर लिया यहाँ पे, तो इसी में से क्या करेगा ये गाइस सेकंड निकाल के दिखा दीजिए, 44 सेकंड हो रहे हैं गाइस। ओके अब यहाँ पे आप ऐसे ही आर निकालना चाहते हैं तो आप इसे आर लिख दीजिए, ओके और इससे डेट को चूज कर लीजिए। आर में 16 आर हो रखे हैं तो ये 16 ही दिखाएगा, ठीक है गाइस शो कर दिया 16। अब ये पूरा स्प्लिट टाइम है गाइस, मिनट्स अलग है, सेकंड्स अलग है, आर अलग है। अब मैं चाहती हूँ कंबाइन एक साथ देखना है गाइस सारा, ओके तो हम यहाँ पे लगा देते हैं गाइस टाइम, गाइस अब सेम जो बोल रहा है वो देते जाइए। आर कितना है इसमें, ये वाले आर्स है, फिर यहाँ से सेकंड, ये सेकंड्स है, फिर यहाँ से मिनट्स, तो ये मिनट्स है, और सॉरी गाइस थोड़ा सा गलत हो गया, ये मिनट्स बोल रहा है तो पहले ये मिनट्स दे दीजिए, ओके फिर सेकंड बोल रहा है तो इसे सेकंड दे दीजिए, ओके गाइस देखो गाइस ये निकल गया टाइम, ओके ठीक है गाइस 429 पीएम हो रहा है, तो देखिए गाइस 429 गाइस। तो नेक्स्ट है गाइस इसमें वीक नम, वीक नम क्या होता है गाइस, वीक नम का मतलब होता है वीक का नंबर दिखाना, ठीक है गाइस वीक का नंबर मतलब कि आपको वीक का नंबर देखना है। मैंने लगाया इधर वीक नम, ओके गाइस यूज, मैंने यही वाली डेट चूज की गाइस और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो देखिए गाइस दिखा दिया इसने 15। अब ये 15 मींस क्या है, ये 15 निकला इसका मींस क्या है, ये 15 क्यों निकला, कैसे निकला, क्या है 15, ओके तो इसका मतलब है गाइस ये जो वीक नंबर निकाल रहा है ये क्या कर रहा है, आपको जनवरी से कैलकुलेट कर रहा है, फर्स्ट जैन से अभी तक जो इसमें डेट दी है 7 अप्रैल, अभी तक कितने वीक यूज हो गए, कितने वीक हो गए पूरे, अगर हम पूरा ईयर ले पूरे ईयर में टोटल हमारे पास कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं गाइस, ठीक है ना। जब भी मैं कोई भी डेट चूज करूंगी ये क्या करेगा उसी डेट को बता देगा जनवरी से कैलकुलेट करके कि उस डेट तक अब तक जनवरी से अब तक कितने वीक हो गए। तो गाइस ये जनवरी से इसने वीक कैलकुलेट किए हैं, 1 जनवरी से लेके 7 अप्रैल तक टोटल कितने वीक हो गए, 15 वीक हो गए गाइस। अभी की डेट चूज करूंगी, अभी की अलग आ जाएगी, अगर मैं जैन की डेट डाल देती हूँ तो उस जैन की डेट के हिसाब से देख लीजिए, उसके हिसाब से दिखाता है, ओके गाइस। तो यहाँ पर जो दिखाता है गाइस यूज ऑफ वीक दिखाता है, उस पर्टिकुलर डेट तक कितने वीक हो गए जनवरी से। अब कोई सी भी डेट डाले गाइस ये हमेशा जनवरी से ही कैलकुलेट करेगा। देखो गाइस नीचे में एक और चेंज कर रही हूँ, इसमें वीक नम डाला गाइस, ओके और यहाँ पे हमने टैप कर दिया, अब मैं इसे चूज कर लूंगा गाइस 23 फेब को, ओके गाइस तो देख लीजिए गाइस 8 वीक्स हो गए, तो ये 8 वीक दिखा रहा है, ये जनवरी से लेकर 23 फेब तक 8 वीक हो गए, ओके तो इधर गाइस अगर मैं चेंज कर दूं इसकी डेट डाल दूं, देखिए गाइस मैं जैन ही डाल रही हूँ, ओके तो देखिए गाइस 4 वीक यानी कि 23 जो है 4 वीक हो गए 23 दिन, इस टाइप से चेंज कर दूंगा गाइस, ओके तो ये है इसका वीक नम, हम इस तरीके से इसके वीक नम निकाल देते हैं, ओके वीक डेज का इस आपने निकाल ही रखा है यहाँ पे, ये वीक डे यही है कि वीक का कौन सा दिन है, ठीक है ना, 7 है, 7 दिखा दिया, यहाँ पे 4 दिखा रहा है, ये वीक डे अलग है थोड़ा सा और ये वीक डे अलग है, ये वीक से गाइस नंबर निकालने के लिए नहीं है, ये सिर्फ उसका नेम लिखने के लिए है। अब ये वाला जो वीक डे है ना गाइस ये वीक का डे निकालने के लिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वीक डे, ओके यानी कि गाइस अगर हम चूज करें अभी, अगर हम नॉर्मली आपसे पूछेंगे कि गाइस अब आप बताइए
ये जो हमारा वीक डे है वो क्या है, मतलब कि टैप कर दिया मैंने इसे, वीक डे का मतलब क्या, आज कितनी तारीख है गाइस, 16 है। अगर मैं बोलूँ 16 डेट है आज, अब आज और आज का दिन क्या है, वेडनेसडे। अब आज के दिन क्या आप बताइए कौन सा वीक का कौन सा दिन है, तो गाइस कौन सा दिन होगा आज का, क्योंकि वीक का पहला दिन कौन सा होता है गाइस, संडे, संडे इज अ फर्स्ट डे, ओके, तो संडे इसका क्या है पहला दिन होता है, तो ऐसे ही वेडनेसडे की तो कौन सा हो गया गाइस, वेडनेसडे हो गया फोर्थ डे, ओके। तो ऐसे ही क्या करेगा, उसको चूज करके दिखाएगा कि कौन सा दिन है, वीक का कौन सा दिन है ये, ओके। तो हमने गाइज यहाँ पे चूज कर लिया, सेम यही वाला डेट चूज कर लेते हैं गाइज, ये ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं कुछ नहीं लगाती हूँ गाइज और ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ, तो गाइज इसने दिखा दिया वीक का कौन सा दिन दिखाया है, तीसरा दिन दिखाया है, यानी कि इसने वीक डे कहाँ से लिया है गाइज, मंडे से लिया है, क्योंकि गाइज मेरे सिस्टम में जो डेट है वो डेट क्या है, वीक का फर्स्ट डे क्या दिखा रहा है गाइज, मंडे से ले रहा है, देखिए गाइस मंडे से ले रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसने क्या करा, आज के जो सात मंडे से ले रहा है, तो इसने सात तारीख जो है वो यहाँ पे दिखाई, सात तारीख। तो पहला दिन मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं डालती, तो पहला दिन कौन सा होता है, संडे, संडे पहला दिन है, फिर छह तारीख दूसरा, और ये तीसरा दिन हो गया, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से क्या करा इसने, तीसरा दिन दिखा लिया कि ये तीसरा दिन है, 7 अप्रैल क्या है, थर्ड डे है, ओके। लेकिन गाइस मैं इसको फॉर्मेट को चेंज भी कर सकती हूँ, मैंने क्या, मुझे ये नहीं करना, हमने इधर क्या कर दिया, अगर गाइस मैंने कुछ नहीं डाला तो ऑटोमेटिकली संडे को ये पहला दिन लेगा, अगर मैंने इधर कॉमा लगा के जीरो कर दिया तो देखिए गाइस सारे दिखा रहा है, सीरीज दिखा रहा है। अगर मैं जीरो डाल देती हूँ, देखो गाइस यहाँ पे अगर मैं वन डालती हूँ या कुछ नहीं डालती तो संडे पहला दिन तो होगा ही होगा, ठीक है ना, तो संडे पहला दिन होगा। अगर मैं टू डालती हूँ तो गाइस मंडे पहला दिन होगा, ओके। अगर मैं 3 डालती हूँ गाइस ये थर्ड पे, ठीक है ना, तो मेरा मंडे पहला दिन होगा और संडे क्या होगा, 6th डे होगा, ठीक है ना। अगर मैं 11 डालती हूँ तो गाइस मंडे फर्स्ट डे होगा, संडे ये, अगर मैं गाइस 1 करती हूँ तो ये क्या होगा, ट्यूसडे। अगर मैं 12 डालती हूँ तो ट्यूसडे पहला दिन आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे अपने हिसाब से आप इधर चेंज कर सकते हो, ओके। तो मैंने यहाँ पे मुझे मंडे को पहला दिन बनाना है, तो हमने इधर क्या कर दिया, 2 डाल दिया गाइस, और अब देखिए यहाँ पे 7 क्या है, अब यहाँ पे 7 था ना गाइस हमारा, देखिए यहाँ पर मैं शो करके दिखा देगा, 7 ये रहा 7 अप्रैल, ओके। तो मंडे पहला दिन और ट्यूसडे सेकंड डे, तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, अमेरिकन फॉर्मेट पे होता है गाइस हमारी डेट जो है, तो इसलिए वो क्या करता है संडे को पहला दिन लेता है। लेकिन नॉर्मली हम जो अपने हिसाब से देखते हैं कि हम इंडियन कैलेंडर देखें या इंडियन हिसाब से देखें, तो ये क्या होगा, मंडे होगा पहला दिन, ओके गाइस। तो इस टाइप से हम अपने वीक का ये भी निकाल सकते हैं कि वीक का जो डेट आप चूज कर रहे हैं वो वीक के किस नंबर पर आ रही है, फर्स्ट पे आ रही है, सेकंड पे आ रही है, थर्ड पर आ रही है, ओके गाइस। तो ये कुछ है गाइस आपके डेट फंक्शन, इस टाइप से हम डेट यूज करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है गाइस, इसके ही अंदर हम कुछ और चीजें भी निकाल सकते हैं, कुछ और चीज का मीन्स होता है गाइस, जैसे कि मुझे नेट वर्किंग डेज निकालना है कि मेरे वर्किंग डेज कितने हैं, टोटल वर्किंग डेज कितने हैं गाइस। टोटल वर्किंग डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई डेट की सीरीज देनी पड़ती है, इस डेट से लेके इस डेट तक हमें निकालने हैं वर्किंग डेज कितने हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं वर्किंग डेज निकालने के लिए इधर ही लिख देती हूँ गाइस, नेटवर्क डेज, ठीक है ना, नेटवर्क के वर्किंग डेज कितने हैं, तो हम इसमें निकाल रहे हैं वर्किंग कर देते हैं गाइस, नेटवर्क हो गया ये तो पूरा, नेटवर्किंग, ठीक है ना। तो ये आपके जो नेट वर्किंग डेज है वो कितने हैं कि कितने दिन आपने काम किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइस देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मैं नेटवर्किंग डेज निकाल रहे हैं तो मुझे डेट चाहिए कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, ओके गाइस। तो देखिए हम यहाँ पे लिखा डेट डाल देते हैं, कौन सी डेट, हम अप्रैल की ही डाल देते हैं गाइस, ठीक है ना, 1 अप्रैल। तो हम इधर 1 अप्रैल से ही, मैंने इधर डाल दिया 1 अप्रैल, ओके। तो 1st 4 2020, ओके, ये तो हो गए गाइस मेरी स्टार्टिंग डेट, और लास्ट डेट क्या है अप्रैल की, 30 अप्रैल, 34, और यहाँ पे डाल दिया 2020, ओके। ये हो गई मेरी
लास्ट डेट। तो गाइस ये तो स्टार्टिंग डेट और ये लास्ट डेट है, ओके। एस डेट लिख देती हूँ गाइस, एस टी ना, स्टार्टिंग डेट और ये हो गई एंड डेट, ओके गाइस ये हो गई। अब गाइस आपको लिस्ट ऑफ हॉलीडे भी देना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल इसी डेट को चूज करके वर्किंग डेज निकालती हूँ तो गाइस सैटरडे संडे तो ऑफ निकलता ही है इसका, ठीक है ना। सैटरडे संडे को काउंट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ अमेरिकन फॉर्मेट लेता है ये, तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इंडियन हॉलीडेज इंडियन के हिसाब से निकालें तो गाइज आपको अपनी हॉलीडे की भी लिस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ हॉलीडे, ठीक है ना गाइज, लिस्ट ऑफ हॉलीडे भी देनी पड़ेगी। मैं ऐसे ही एक कोई सा भी हॉलीडे लिस्ट दे देती हूँ, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ एक डेट हॉलीडे की। कौन सा डालते हैं देख लेते गाइस, सैटरडे इसमें सैटरडे संडे ना पड़े तो हम डाल देते गाइस 7-8 अप्रैल ही डाल देते हैं, ओके गाइस। तो हमने यहाँ पे क्या करा गाइस, इधर 8 अप्रैल डाल देते हैं अपना हॉलीडे, एक हॉलीडे बना देते हैं बस, ठीक है। मैंने क्या 8 अप्रैल जो है मेरा हॉलीडे था ये रहा, ठीक है ना। अब ये डेट है गाइस मेरे पास कुछ, स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट है, ओके, और एक मेरे पास हॉलीडे है। बाकी गाइस आपके जितने भी हॉलीडे होंगे आप पूरी हॉलीडे की एक लिस्ट दे दीजिए कि इतने हॉलीडेज हैं, उसके हिसाब से क्या करेगा वो उस लिस्ट को चूज कर लेगा। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, ओके, इक्वल लगाया, नेटवर्क डेज लिखा, नेटवर्क डेज ही होता है गाइस, वर्किंग नहीं होता, ठीक है ना। अब इसमें गाइस ने स्टार्टिंग डेट ले ली, क्या आप स्टार्टिंग डेट चूज कर लीजिए, सेम एज मैंने 1 अप्रैल ले लिया स्टार्टिंग डेट, कॉमा, ओके। फिर ये बोल रहा है गाइस एंड डेट ले लीजिए, ओके, देन ये एंड डेट है। अब ये बोल रहा है गाइस हॉलीडे लिस्ट दीजिए अपने, तो ये मेरे हॉलीडे, ओके। तो ये हो गए, अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए गाइस, ये दिखा दिए 21 डेज इज अ वर्किंग डेज, ओके। 30 दिन तो है ही गाइस हमारे अप्रैल के मंथ में। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, ये देखिए 30 दिन तो है। अब इसने कितने संडे निकाले, सैटरडे निकाले गाइस, 1, 2, 3, 4 सैटरडे निकाले गाइस, 4 संडे निकाले, टोटल कितने डेज हो गए, 8 हो गए गाइस, ठीक है। 30 में से अगर आप 8 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे गाइस आपके पास, ठीक है। 30 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 बचेंगे, ओके, 22 हो गए। और एक हमने हॉलीडे निकाल दिया तो कितने हो गए, 21, सेम एस 21 दिखा रहा है गाइस, ओके। तो ये वर्किंग डेज काउंट कर देगा कि कितने वर्किंग डेज है आपके, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वर्किंग डेज निकाल लेते हैं। अब गाइस अगर आप इधर थोड़ा सा कुछ देखे, मैंने इधर एक डेट डाल रही थी गाइस, अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो, यहाँ पर मैं एक जब डे का फंक्शन लगा रही थी यहाँ पर, ये गाइस लाइक इस टाइप से डे फंक्शन लगाया था मैंने, और इसमें से कुछ डेट चूज कर ली थी, सपोज यही वाली डेट है गाइस, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज, ओके गाइस 40 मिनट के बाद आपको एक बार दोबारा रिजॉइन कर लीजिएगा, ओके। चलिए गाइस, तो यहाँ पर हमने इसे डेट लिख दिया, मंथ, सॉरी गाइस ये ईयर लिखना था, इधर डेट लिख दिया था मैं, इसको लगाया हमने ईयर लिखा, ओके, पैकेट क्लोज और ये ईयर चूज कर दिया गाइस, तो इधर ईयर आ गया। तो ऐसे ही इधर क्या गाइस, ये ईयर शो रहा है, डेट ले लूं, डेट आ रही है, ओके। तो अगर मैं चाहती हूँ, मुझे एक फॉर्मूला होता है गाइस इसी के अंदर, वैल्यू का फॉर्मूला, वैल्यू का मतलब होता है गाइस जो भी आप डेट चूज कर रहे हैं, आज की डेट चूज कर रहे हैं, कोई सी भी डेट चूज कर रहे हैं, उस डेट की क्या वैल्यू है, ओके। उस डेट को पर्टिकुलर को नंबर में दिखा देता है गाइस, देखो गाइस हम यहाँ पे डेट ले रहे हैं वैल्यू, ओके, और यहाँ पे वैल्यू लेके अब मैं इधर से कोई सी भी डेट चूज कर लेती हूँ। मैंने सपोज यही वाली डेट चूज कर ली 30 अप्रैल, ओके, और ये चूज कर लिया यहाँ पे, तो देखो गाइस एक नंबर दिखा दिया। कई बार आप डेट डालते हो और देखते हो ऐसा कुछ नंबर आ जाता है, कुछ बड़ा सा ऐसा नंबर आ जाता है, ये नंबर क्यों आता है गाइस,
अगर ये नंबर आएगा आपका तो आप यहाँ से क्या करिए, नॉर्मली यूज कर लीजिए डेट फॉर्मेट, कोई सा भी लॉन्ग या शॉर्ट, वो क्या करेगा उसी डेट फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन ये डेट फॉर, ये वैल्यू है क्या, ये क्यों आ रही है वैल्यू, ऐसा क्यों आ जाता है? तो गाइज इस वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम कंप्यूटर हिस्ट्री में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो कंप्यूटर हिस्ट्री का जो पहला दिन होता है 1 जनवरी 1900 होता है गाइज। अगर 1 जनवरी 1900 इसका क्या है, कंप्यूटर हिस्ट्री का पहला दिन है, तो आज की डेट जो मैंने चूज की 1900 से लेके आज की डेट को, वो कैलकुलेट करके बताता है टोटल डेज ऑफ कितने हो गए, दिन कितने हो गए, ठीक है ना। 1900 से यहाँ तक कितने दिन होगा, इतने दिन होगा। तो यानी कि आपकी डेट की वैल्यू उसने चेक की किस डेट से, 1900 से, 1 जनवरी 1900 से उसने आपकी डेट की वैल्यू चेक की है। अगर गाइस मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1 1 1900, ठीक है ना गाइस, तो देखिए गाइस आ गई 1 जनवरी 1900। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लगाकर मैं इसी को चूज करती हूँ गाइस, ठीक है ना, और इसको मैंने चूज कर लिया, ओके। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए तो देखिए गाइस फर्स्ट दिखा रहा है, यानी कि पहला दिन है, कंप्यूटर हिस्ट्री का पहला दिन है गाइस ये। अगर मैं यहाँ पे कोई भी 18 की डेट डाल देती हूँ, 1800 डाल देती हूँ, तो गाइस ये हैश कर देगा, नहीं दिखाएगा वैल्यू नॉट, यानी कि इसके पास इस डेट की कोई वैल्यू नहीं है गाइस। गाइस मैंने इधर डाल दिया 1800, ओके गाइस। तो देखिए गाइस इसने कुछ नहीं दिखाया, नो वैल्यू, बिकॉज ऑफ 1800 से पहले का उसके पास, 1900 से पहले का कोई डेटा या कोई डिटेल नहीं होती है कंप्यूटर हिस्ट्री में। तो जो कंप्यूटर हिस्ट्री का पहला दिन होता है वो 1900 से ही होता है, 1900 से ही होता है। तो ये उस डेट को चूज कराता है, जब हम डेट फंक्शन लगाते हैं तो ये इसको क्या करता है, 1900 से कैलकुलेट करता है कि 1900 से और आज तक की डेट की क्या वैल्यू है। तो गाइस ये 1900 कर दिया, देखिए गाइस 1900 का पहला दिन दिखा दिया। अब जैसे ही मैं इस डेट में चेंज करती जाऊंगी गाइस, कोई सी भी डेट समथिंग चेंज करते जाएंगे, मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया गाइस, तो ये देखिए 31 दिन दिखा दिए इसने, ठीक है ना, 31 दिन जनवरी के और 1 दिन फरवरी का, 32 डेज दिखा दिए, ओके। तो ऐसे गाइज ये डेज फंक्शंस हैं, काफी इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं, आप यूज करके देखिए, ओके गाइज। आज की क्लास हम इतनी ही है, डेट फंक्शंस, इसमें ने सारे डेट फंक्शंस कवर किए हैं, आप इसको यूज करके देखिए। और इसकी अगर आपको वीडियो चाहिए गाइज तो आप हमारे चैनल साइट से ले सकते हैं, और गाइज कोई भी आपका फ्रेंड हो तो आप उसको भी हमारी क्लासेस के बारे में रिकमेंडेड कर सकते हैं।